हम लोग झांसी स्टेशन पे हैं, वीराना लक्ष्मीबाई स्टेशन, और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन से। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ, गाड़ी अभी आई नहीं है, लेट है, अभी टाइम पे नहीं आती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं, ये रहा हमारा कोच। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये रहा हमारा कोच, और इसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। आप दोस्तों बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये कोच है बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन इसमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, और कुछ इस तरीके का भार करना जा रहा है। लोग जा रहे हैं दिल्ली, और इस समय हम लोग बैठे हैं थर्ड एसी इकोनॉमी में, और देख लीजिए कुछ इस तरीके का कोच है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इनके नज़ारे आ रहे हैं, ये चंबल है, चंबल होते हुए जा रही है दिल्ली। चाय चाय ले चाय। तो इस समय मैं आपको दिखाता हूँ कचड़े का पहाड़, देख लीजिए ये पूरा कचड़ा है, जितना भी कचड़ा है यहाँ का, तुगलकाबाद का इकट्ठा होता है, दिल्ली का इकट्ठा होता है, यहीं आता है। देख लीजिए वो क्रेन भी लगी हुई है, ये सारा पहाड़ है जो कचड़े का है, देख लीजिए। मेट्रो स्टेशन, आप देख रहे होंगे मैं पहुंच गया हूं दिल्ली, और यह है ISBT। और अगर आप शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, कोई भी जगह घूमने जा रहे हैं, तो यहीं से आपको बस मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, गेट नंबर 5, यहीं से आपको बस मिलेगी। ये देख लीजिए ISBT है, इंटरनेशनल महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का शो होता है। वैसे बहुत टाइम हो गया है, अभी तक बस नहीं आई है, बट थोड़ी देर में मैंने उससे कांटेक्ट करा है, बट आने वाली है थोड़ी देर में, तो फिर बताते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये कश्मीरी गेट है, और बहुत ही ट्रैफिक यहाँ पे लगता है, तो देख संभल के आएँ। और ये देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, यहीं से सब जगह की बसें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, वो आप कहीं की भी बस ले सकते हैं यहाँ से। फाइनली दोस्तों बस आ गई है, और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बस है, और लग्जरी है, एसी है, हालांकि एसी पहाड़ों पे काम नहीं करता है, और देख लीजिए कंफर्ट के लिए सीट भी एडजस्टेबल हो जाती है आराम से। तो और बाहर के लिए बहुत अच्छा नज़ारा आप देख ही सकते हैं, बड़े बड़े शीशे हैं, और ये नाइट का जो व्यू है माइंड ब्लोइंग है। दोस्तों सुबह के बज गए हैं 3, और यहाँ पे टी ब्रेक के लिए रुकी है बस, यहाँ पे 15 मिनट रुकेगी, और राजू ढाबा पे यहाँ पे रुकी है। ये देख लीजिए जो कुछ यहाँ पे मिलेगा, इसकी लिस्ट है, मेन्यू है, आप ले सकते हैं। और हम तो पियेंगे चाय, क्योंकि चाय इज़ माई फेवरेट।
दोस्तों प्राइवेट बस स्टैंड से हम लोग जा रहे हैं मनाली मॉल रोड की तरफ। और ये दोस्तों मॉल रोड का नज़ारा ही बहुत बेहतरीन है और आप देख ही सकते हैं कितना गजब का नज़ारा है। दोस्तों ये रहा मॉल रोड, ये लोकल साइड सीन में आ जाता है। यहाँ तरह तरह की दुकान मिल जाएंगी आपको, हर प्रकार की मिल जाएगी, खाने से लेके कपड़ों तक। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का व्यू रहेगा। दोस्तों ये देख लीजिए, दोस्तों ये सामने है ट्रेवल एंड कंपनी, आप यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हर जगह की उपलब्ध है यहाँ पे बस। दोस्तों भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पे स्टैचू है मेन मॉल रोड पे, और बहुत ही बेहतरीन स्टैचू है। रोड पर भी मॉर्निंग टाइम पर भी यहाँ पे धूप लेने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत होती है तो धूप लेने के लिए काफ़ी सारी भीड़ होती है। और ये देख लीजिए यहाँ का HRTC का बस स्टैंड है, देख लीजिए कपड़े वगैरह जो लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं, अच्छा भी होता है और धूप भी मस्त लगती है अगर धूप हो तो। यहाँ पे आप होटल भी बुक कर सकते हैं, पास में ही होटल, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर यहाँ पे महंगा खाना पीना थोड़ा महंगा है, तो वो तो अब होटल अगर वो पहाड़ पे आओगे तो हर चीज़ आपको महंगी ही, पहाड़ पे वो तो सब चीज़ आपको महंगी ही मिलेगी, क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं लाते भी हैं, तो अगर आप उनको पैसे भी दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर जायज़ पैसे हैं ना, जायज़ नहीं। और देख लीजिए आप व्यू कितना मस्त आ रहा है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। होटल ले सकते हैं यहाँ से, टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं कहीं के भी, ये जहाँ आपको घूमने जाना है घूमने का है आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये मैनेजर सीट है, यहाँ पे मैनेजर साहब बैठते हैं, और बाहर भी ये सीटिंग के लिए आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, चाय टी वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह आप ले सकते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया नज़ारे आते हैं, पहाड़ देखेंगे बढ़िया, यहाँ से ब्रेकफास्ट करिए, डिनर करिए, कुछ भी जो करना हो आप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, रूम भी दिखाएंगे आपको, कोई खास। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का रूम रहेगा, नीट एंड क्लीन। यहाँ से देख लीजिए बैठने के लिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से आपको व्यूज़ वगैरह मिल जाएगा। और आपको मैं बालकनी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए बालकनी मिल जाएगी आपको, तो आप यहाँ से बाहर की नज़ारे भी ले सकते हैं। और रूम में मैं आपको फैसिलिटीज़ की बात कर लूँ, तो अगर सर्दी लगती है तो यहाँ पे गर्म करने के लिए मशीन भी लगा रखी है, तो ये आपका बेड गर्म रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, वो इलेक्ट्रिशियन ब्लैंकेट है ना, हाँ, यहाँ पे आपको गर्म गर्म फील होगा, पतला भी कंबल ओढ़ेंगे तो आपको गर्मी लगेगी। और देख लीजिए नीट एंड क्लीन है, बहुत बढ़िया साफ तरीके के। ये देख लीजिए मिरर है और TV दे रखा है यहाँ पे, और आपको टॉयलेट वगैरह भी दिखा दें। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए वॉश बेसिन वगैरह, और नीट एंड क्लीन है, सब कुछ बढ़िया है। सस्ते में अगर काम करना है तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा। ये वार्ड वगैरह है, सर्दी अगर ज़्यादा लगे तो आपको हाँ रजाई वगैरह भी मिल जाएगी, टॉवल वगैरह सब कुछ है, फैसिलिटी बढ़िया है, तो इधर उधर क्यों जाना। और मॉल रोड भी यहाँ से बहुत ही पास है, कुछ हाँ 25 मीटर के आसपास है। और देख लीजिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो।